नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति गौर माँ गायत्री देवी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कस्टर्ड केक बनाना बताती हूँ। ये केक बहुत मुलायम होता है और खाने में भी स्वादिष्ट होता है। आइए मैं आपको कस्टर्ड केक के सामग्रियों के बारे में बताती हूँ। ये 1 कप मैदा है, 1 कप दूध है, 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर है, 1/2 कप शक्कर, 1/2 कप ऑयल लिया है मैंने। आप चाहे तो घी, बटर, जो भी आपको सुविधाजनक है या जो खाते हैं आपको वो आप ले लीजिए। और ये 1/2 चम्मच है बेकिंग पाउडर। ये कस्टर्ड पाउडर मैंने घर में बनाया है। इसको कैसे बनाया जाता है इसका भी मैं वीडियो आपको बना के भेजूंगी। आइए हम केक बनाने चलते हैं। हम इसकी सूखी सामग्रियों को मिलाते हैं। ये मैदा है, ये कस्टर्ड पाउडर, ये हमारा बेकिंग सोडा है 1/2 चम्मच। इसको हमको मिलाना है। इसमें देखिए ऐसी गुठलियां पड़ जाती हैं, इनको हमको अलग करना है और इसको 2-3 बार हमको छान लेना है ताकि ये सारी सामग्री एक साथ मिल जाए। ये मैंने 3री बार इसे छाना है। अब हम पहले शक्कर को पीसेंगे। अब इसी में हम ऑयल को मिला देते हैं। अब हम इस पे दूध मिला देते हैं। देखिए हमारा मिक्सचर एकदम फ्लफी बन गया है। इसको हम अब बाउल में डालेंगे। इसको आप कुकर में भी बना सकते हैं, इस केक को कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मैंने एक बड़ा सा भगोना लिया है, इसमें मैंने रेत बिछा दी है, नमक भी बिछाया जा सकता है। मुझे आसानी से रेत मिल गया तो मैं रेत बिछाऊंगी। इसको मैंने 10 मिनट पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हम इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, चारों तरफ अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके ऊपर सूखा मैदा डाल के इसको चारों तरफ फैला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके इस मिक्सचर को मिलाएंगे। मिलाना पड़ेगा 2 चम्मच के करीब और मिला दी है। स्मूथ बैटर तैयार करना है इसका। मैंने 1 चम्मच दूध और डाला है। देखिए ऐसा होना चाहिए हमारा बैटर केक का। अब हम इसको टीन में डालते हैं। इसको हमको बराबर इसको स्मूथ करके रखना है और इसको अब हम रखते हैं। इसके ऊपर मैंने एक जाली रख दी है ताकि एकदम टच ना हो ये बर्तन हमारा केक का, और ये रख दिया है मैंने। इसको हमको बराबर चारों तरफ से ढक के रखना है ताकि इसके अंदर की गैस बाहर ना निकले। इसका बेकिंग टाइम 35 से 40 मिनट है। इसको हमको बीच बीच में खोल के नहीं देखना है। 40 मिनट के बाद हम इसको खोल कर देखेंगे। 40 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने केक को चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए ऐसे चक्कू को हम लगा के देखते हैं। ये देखिए एकदम क्लीन निकल रहा है हमारा चक्कू। ये केक हमारा तैयार है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम इसको 1.5 से 2 घंटे तक के लिए ठंडा होने देंगे और जब ठंडा हो जाएगा तभी इसकी कटिंग करेंगे। देखिए हमारा केक बनके तैयार हो चुका है। अब हम पहले इसके साइड को निकाल लेते हैं। इसके बाद हम इसको डीमोल्ड करते हैं एक प्लेट से।
अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमारा केक एकदम सॉफ्ट बना है, इसको बहुत सावधानी से काटना पड़ता है, नहीं तो ये बिखर जाता है। ये केक बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत स्वादिष्ट होता है। इसे आप अपने घर में बनाइए और आप अपना कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कस्टर्ड पाउडर जो है वो मैंने इसको घर में ही बनाया है, इसको भी मैं जल्दी ही आपको वीडियो भेजूँगी। मेरा वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।